स्टेटमेंट आया है, वेरी सरप्राइजिंग स्टेटमेंट, नॉट एक्सपेक्टेड. दिस हैज वाइडली हर्ड द सेंटिमेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉयज. हमने सोचा था एलजी साहब आए हैं, उनके शासन काल में पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को पीड़ा को जो है वो कम हो जाएगी. जो हमें गांव लगे हैं, इन गांवों पर मरहम लगेगी और इसके साथ साथ जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे. लेकिन आपके बयान से ये तीर से कम नहीं है जिसने हमारी छाती को छलनी कर दिया और जो हमारे हार्ट्स हैं वो ब्लीड हुए हैं आपके इस स्टेटमेंट से. आप क्या कहना चाहते हैं कि ये सैलरी का मसला है? क्या आप हमारी सैलरीज को बंद करेंगे? हमारी दो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज ने बलिदान दिया, 5 एम्प्लॉयज एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बलिदान दिए. किस रिक्रूटमेंट में चाहते हैं जिन्होंने आज तक बलिदान दिया? आपने 12 साल पहले जिस तरह हमें वहां पहुंचाया और उसके बाद हमारे 12 साल हमारे साथ क्या हुआ? हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ, हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ हुआ और इसके साथ ये जो सारा पैकेज है ये एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुई. आज हमने सोचा था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एलजी साहब ने दी, हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, हमारी इमोशन जुड़ी थी कि इस तरह का बयान आया कि 4000 फैमिलीज को अब रिलीफ मिला. लेकिन जिस तरह आपने बयान दिया, इस बयान से हमारी जो हार्ट से मैं दोबारा कह लूँ वो काफ़ी ब्लीड, हमारी फैमिलीज जो पीड़ा में है उनकी पीड़ा, उनके घाव जो है वो और गहरे हो गए. आप देखिए कि शहरी का मसला आपने हमारी जिंदगी के साथ जोड़ा है तो क्या फर्क रहा है? एक तरफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉय गोली का शिकार हुआ है, एक दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के सैरियस बंद करने का शिकार हुआ. मुझे बताओ ये एम्प्लॉय जाएगा तो जाएगा? आज हम जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस प्रिवील करने की बात करते हैं. आपके माध्यम से मैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या आप हमारा इस तरह आप पीएम पैकेज एम्प्लॉय को रोड पर मत सुनिए. आप एक कश्मीरी पंडित जिसने बलिदान दिया देश के लिए, जिसने देश के लिए काम किया, कश्मीर छोड़ दिया तो किस लिए छोड़ दिया? देश के लिए. हमने सबवर्सिव एलिमेंट्स के साथ कभी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, हम जहाँ भी रहे देशभक्त रहे. और अगर देशभक्त लोगों के साथ, अगर पेट्रियाट लोगों के साथ, नेशनलिस्ट फोर्सिंग के साथ ऐसी हालत हो जाएगी तो आप क्या मैसेज देना चाहिए?